ज में आज हम डिस्कस करेंगे माउस ऑपरेशन राइट क्लिक डबल क्लिक माउस ओवर एंड ड्रैगन डॉप ऑपरेशन हम कैसे करते हैं सिलेनम वेब ड्राइवर कमांड यूज करके आज हम ये समझेंगे इस सीरीज के पहले की वीडियोज अगर आपने नहीं देखें तो उन्हें जरूर देखें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखे तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन

तो कुछ भी नहीं हो रहा कुछ मैसेज डिस्प्ले नहीं हो रहा जब हम इसमें राइट right क्लिक करेंगे तो ये देखिए एक मैसेज डिस्प्ले हुआ यू हैव डन राइट क्लिक तो जब हम राइट right क्लिक करते हैं तभी ये मैसेज डिस्प्ले होता है नॉर्मल क्लिक पे ये मैसेज डिस्प्ले नहीं होता तो हम देखते हैं इसके लिए ऑटोमेशन कोड कैसे लिखेंगे राइट क्लिक एक्शन परफॉर्म करने के लिए तो हम इसके लिए एक्लिप्स आईडी ओपन करते हैं प्रैक्टिकल के लिए मैंने ओपन कर लिया मैंने इसमें एक मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है और वेब ड्राइवर भी कॉन्फिगर किया हुआ है इसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं तो के सेशन के लिए के हम न्यू क्लास क्रिएट करते हैं तो एसआरसी टेस्ट जावा फोल्डर में एक पैकेज है डेमो टेस्ट डॉट टेस्ट वन इस पैकेज पे मैंने राइट right क्लिक किया न्यू क्लास क्लास का नाम दे देते हैं राइट right क्लिक और हमें एक मेन मेथड चाहिए तो हम पब्लिक स्टैटिक वर्ड में इनको चेक कर देते हैं एंड फिनिश हमने एक क्लास क्रिएट कर ली राइट right क्लिक के नाम से और हमने एक मेन मेथड ऐड कर लिया सबसे पहले हम ब्राउजर लॉन्च करेंगे तो हम क्रोम ब्राउजर लॉन्च कर लेते हैं इसके लिए हम दो स्टेटमेंट लिखेंगे पहला स्टेटमेंट है सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी ये दो आर्ग्यूमेंट लेता है पहला की क्रोम ब्राउजर के लिए की है वेब ड्राइवर डॉट क्रोम डॉट ड्राइवर और दूसरा है वैल्यू वैल्यू में हम देंगे क्रोम ड्राइवर की ई का पाथ क्रोम ड्राइवर मैंने प्रोजेक्ट फोल्डर में ही सेव किया हुआ है तो मैं यहीं से इसका पाथ कॉपी कर रही हूँ ड्राइवर डॉट ई पे क्रोम ड्राइवर डॉट ई एक्सी राइट क्लिक किया प्रॉपर्टीज और यहां से इसका पाथ हमने कॉपी कर लिया और ये पाथ मैं में यहाँ पे डबल कोर्स में यहाँ पेस्ट कर देती हूँ और एंड में सेमी से स्टेटमेंट को एंड कर दिया अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमें वेब ड्राइवर को इंस्टेंशिएट करना है तो उसके लिए स्टेटमेंट है वेब ड्राइवर 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 न्यू क्रोम क्योंकि हम क्रोम ब्राउजर यूज कर रहे हैं और साथ साथ इनके पैकेजेस भी हम इंपोर्ट कर कर लेते हैं अब हम ब्राउजर को मैक्सिमाइज कर लेते हैं उसके लिए स्टेटमेंट है ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट विंडो डॉट ब्राउज़र मैक्सिमाइज कर लिया अब हम यू आर एल ओपन करते हैं उसके लिए हम गेट कमांड यूज करेंगे तो ड्राइवर डॉट गेट और यहां देंगे कंप्लीट यू आर एल का पाथ यहाँ यू का पाथ पेस्ट कर देते हैं अब हमें इस यू पे राइट क्लिक बटन को लोकेट करना है तो उसके लिए हम बटन को इंस्पेक्ट करेंगे और उसके लिए हम एक एक्सपाथ राइट करेंगे वैलिड एक्सपाथ। तो हम वापस यू पेज पे चलते हैं और यहाँ पे हम राइट क्लिक बटन को इसकी प्रॉपर्टीज चेक करेंगे इसका एसटीएमएल कोड चेक करेंगे एक्सपाथ एक्सप्रेशन राइट करने के लिए तो हमने कहीं भी राइट right क्लिक किया वेब पेज पे कहीं भी राइट right क्लिक किया फिर इंस्पेक्ट पे क्लिक किया और यहाँ पे ये एक इंस्पेक्टर ऑप्शन है इसको सेलेक्ट करेंगे इस पर क्लिक किया हमने और उसके बाद हम बटन पे जा करके क्लिक कर देंगे तो हमें बटन की प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी राइट क्लिक बटन पे हम क्लिक करेंगे तो राइट क्लिक बटन की प्रॉपर्टीज यहाँ पर हमें दिख जाएगी पहले इंस्पेक्टर पे फिर राइट क्लिक बटन पे तो ये रहा राइट क्लिक बटन का एच कोड तो हम सिलेक्टर्स हब से इसका एक्सपाथ कॉपी कर सकते हैं या फिर हम खुद से राइट भी कर सकते हैं तो हमें रिलेटिव एक्सपाथ लिखना है तो उसके लिए हम देंगे डबल स्लैश इसके लिए हम देंगे डबल स्लैश फिर टैग नेम टैग नेम है बटन फिर स्क्वायर ब्रैकेट ओपन फिर एट द रेट के बाद एट्रीब्यूट का नाम एट्रीब्यूट का नाम हम यूज कर सकते हैं हम आई डी एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं तो आई डी इज इक्वल टू राइट क्लिक बटन आई डी इज इक्वल टू राइट क्लिक बटन दिया हुआ है हम कोई सा भी attribute यूज़ कर सकते हैं हमने यहाँ पे अभी ID attribute यूज़ कर लिया तो ये एक valid है तो हम ये देखिए आ गया मतलब ये एक valid है तो हम इस को अपने कोड में कॉपी कर सकते हैं तो इस एक्सपाथ को यूज करके हम राइट क्लिक वेब एलिमेंट इस बटन को हम फाइंड करेंगे तो वापस कोड में चलते हैं और यहाँ पे हम फाइंड एलिमेंट मेथड यूज करके हम बटन वेब एलिमेंट को फाइंड करेंगे तो फाइंड एलिमेंट मेथड वेब एलिमेंट रिटर्न करेगा तो हम एक वेब एलिमेंट को ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं वेब एलिमेंट बटन यहाँ पे इसका पैकेज इंपोर्ट कर लेते हैं टू ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट और लोकेटिंग स्ट्रेटेजी हम यूज करेंगे बाय डॉट एक्सपाथ और यहाँ पे हम एक्सपाथ एक्सप्रेशन और पे कॉलन से स्टेटमेंट एंड तो ये स्टेटमेंट हमें एक वेब एलिमेंट रिटर्न करेगा जो जो हमारा बटन है तो अब हम राइट क्लिक एक्शन परफॉर्म करने के लिए हम सबसे पहले यहां पे एक्शंस क्लास का हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे एक्शंस ऑब्जेक्ट का नाम ए सी टी इज इक्वल टू न्यू actions और यहाँ पे पैरेंथेसिस में हम एक आर्गुमेंट प्रास्क पास करेंगे वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट अब हम एक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट यूज करके अब हमें राइट क्लिक एक्शन परफॉर्म करना है तो ए सी टी डॉट राइट क्लिक के लिए मेथड है राइट राइट क्लिक एक्शन परफॉर्म करने के लिए मेथड है कंटेक्स क्लिक यहाँ पे हम जिस भी जिस भी वेब एलिमेंट पे हमें राइट क्लिक एक्शन परफॉर्म करना है हम उस वेब एलिमेंट को यहाँ पे पास करेंगे तो हमें बटन वेब एलिमेंट पर राइट क्लिक करना है तो हमने यहाँ पे बटन दे दिया अब उसके बाद हमें एक्शन को परफॉर्म करना है तो यहाँ पे परफॉर्म मेथड हम कॉल करेंगे हमें क्या एक्शन करना है और किस वेब एलिमेंट पे एक्शन करना है वो तो हमने यहाँ पे मेंशन किया उसके बाद परफॉर्म करने के लिए हमें परफॉर्म मेथड कॉल करना है तभी ये पूरा कंप्लीट होगा एक्शन कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग परफॉर्म की जगह पे बिल्ड डॉट परफॉर्म लिखते हैं बिल्ड डॉट परफॉर्म ये भी सही है बिल्ड डॉट परफॉर्म में क्या होता है यहां पे तो हमने ये बताया कि हमें क्या एक्शन करना है फिर यहाँ पे बिल्ड मेथड यूज करके हम एक्शन को बिल्ड करते हैं फिर उसके बाद परफॉर्म करते हैं तो ये भी स्टेटमेंट सही है बिल्ड डॉट परफॉर्म भी हम यूज कर सकते हैं मगर अगर हम डायरेक्टली परफॉर्म मेथड भी यूज करें तो वो भी सही है क्योंकि परफॉर्म मेथड भी इंटरनली बिल्ड डॉट परफॉर्म ही करता है ये मैं आपको अभी दिखाती हूं ये देखिए जब हम परफॉर्म मेथड को कॉल करते हैं तो वो भी इंटरनली बिल्ड डॉट परफॉर्म ही कॉल करता है ये एक सिंगल स्टेटमेंट है परफॉर्म मेथड एक सिंगल स्टेटमेंट है बिल्ड डॉट परफॉर्म को कॉल करने के लिए तो यहाँ पे हम बिल्ड आउट परफॉर्म भी कॉल कर सकते हैं और हम नॉर्मल सिर्फ एक सिंगल मेथड यूज करके भी बिल्ड आउट परफॉर्म कर सकते हैं तो यहाँ हमने राइट क्लिक एक्शन के लिए हमने कंटेक्सट क्लिक मेथड यूज किया तो राइट क्लिक एक्शन के लिए हमारा फोर्ड कंप्लीट हो गया अब हम इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो राइट क्लिक रन एज जावा एप्लीकेशन क्रोम ब्राउजर सक्सेसफुली स्टार्ट हो गया और ये यू आर एल ओपन हो रहा है ये यू आर एल ओपन हो गया और यहाँ पे देखिए राइट क्लिक एक्शन परफॉर्म हुआ और यहाँ पे ये मैसेज डिस्प्ले हो गया यू हैव डन अ राइट क्लिक इनिशियली यहाँ पे कोई मैसेज नहीं था पर जैसे ही राइट क्लिक एक्शन परफॉर्म हुआ ये मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले हो गया अब हम डबल क्लिक एक्शन परफॉर्म करते हैं तो ये जो डबल क्लिक में ये जो बटन है हम इस पर क्लिक डबल क्लिक करेंगे तो इस बटन को इंस्पेक्ट करते हैं इसके लिए हम एक वैलिड एक्सपात राइट करते हैं तो इसके लिए यहां डिस्प्ले हो रहा है इन सजेशन से ही कॉपी कर लेते हैं तो इस एक्सपात को यूज करके हम डबल क्लिक में इस बटन को हम लोकेट कर सकते हैं तो हम ये एक्सपात कॉपी कर लेते हैं इसे हम एज इज अपने कोड में यूज कर लेंगे तो जब हम तो जब हम जब हम डबल क्लिक में इस बटन पे हम सिंगल क्लिक कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं हो रहा राइट क्लिक कर रहे हैं तो कुछ नहीं हो रहा पर जब हम डबल क्लिक करेंगे तो एक मैसेज डिस्प्ले होगा यू हैव डन अ डबल क्लिक तो हम देखते हैं ये हम कैसे करेंगे इसके लिए हम ऑटोमेशन कोड राइट करते हैं तो यहाँ पे हम एक न्यू क्लास क्रिएट कर लेते हैं पैकेज पे राइट क्लिक न्यू क्लास और यहाँ हम क्लास का नाम दे देते हैं डबल क्लिक और हम एक मेन मेथड ऐड कर लेते हैं एंड फिनिश अब हम ऐसा करते हैं राइट क्लिक वाले एग्जाम्पल से हमें कुछ कोड कॉपी कर लेते हैं लॉन्च क्रोम ब्राउजर मैक्सिमाइज ब्राउजर एंड ओपन यू इतना कोड हम कॉपी करके डबल क्लिक क्लास में यहाँ पेस्ट कर लेते हैं या हमने क्रोम ब्राउजर लॉन्च कर लिया ब्राउजर मैक्सिमाइज कर लिया और यू ओपन कर लिया अब हमें वेब एलिमेंट को फाइंड करना है तो उसके लिए स्टेटमेंट होगा वेब एलिमेंट ऑब्जेक्ट का नाम बटन दे देते हैं इक्वल टू ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट लोकेटिंग हम यूज़ करेंगे बाय डॉट एक्सपाथ और यहाँ देंगे हम वैलिड एक्सपाथ एक्सप्रेशन एक्सपाथ एक्सप्रेशन हमने कॉपी किया था उसे हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं लास्ट में सेमी कॉलन से स्टेटमेंट एंड और अब हमें राइट right क्लिक करने के लिए हमें एक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है यहाँ पे हम वेब एलिमेंट का पैकेज इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे हम एक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं एक्शन का नाम ए सी टी इज इक्वल टू न्यू फिर क्लास उसके बाद पैरेंथेसिस में हम वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट पास करेंगे कॉपी पेस्ट सेमी कॉलन से स्टेटमेंट एंड यहाँ पे एक्शन क्लास का भी पैकेज इंपोर्ट कर लेते हैं अब हमें एक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट यूज करके हमें डबल क्लिक एक्शन परफॉर्म करना है ऑब्जेक्ट का नाम डॉट डबल क्लिक यहाँ पे डबल क्लिक मेथड यूज करेंगे हम और यहाँ पे देंगे हमें किस वेब एलिमेंट पे हमें डबल क्लिक एक्शन करना है तो हमें इस बटन वेब एलिमेंट पे डबल क्लिक एक्शन करना है तो हमने यहाँ पेस्ट कर दिया डॉट परफॉर्म एक्शन को परफॉर्म करने के लिए परफॉर्म मेथड हमने कॉल कर लिया यहाँ हमने डबल क्लिक एक्शन परफॉर्म किया अभी कोड हमारा कंप्लीट हो गया अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं राइट क्लिक रन एज जावा एप्लीकेशन ब्राउजर लॉन्च हो गया यू आर एल ओपन हो रहा है यू आर एल ओपन हो गया और यहाँ पे डबल क्लिक एक्शन परफॉर्म हुआ और यहाँ पे यू हैव डन अ डबल क्लिक मैसेज डिस्प्ले हो गया तो इस तरह से हम डबल क्लिक एक्शन परफॉर्म करते हैं अब नेक्स्ट माउस ऑपरेशन हम डिस्कस करेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप एक्शन उसके लिए हम एक यू आर एल ओपन करते हैं इस यू आर एल पे इस वेब पेज पे ये कैपिटल्स की लिस्ट है ये यहाँ पे ये कैपिटल्स की लिस्ट है और इधर कंट्रीज की लिस्ट है तो हम यहाँ पे कैपिटल्स को उनके कंट्रीज पे ड्रैग करके ड्रॉप कर सकते हैं तो ड्रैग एंड ड्रॉप एक्सेल में हमारे पास सोर्स वेब एलिमेंट होता है और टारगेट वेब एलिमेंट होता है फॉर एग्जाम्पल अगर हम रोम को इटली पे अगर हम ड्रॉप करेंगे तो रोम हमारा सोर्स वेब एलिमेंट हो जाएगा और इटली टारगेट वेब एलिमेंट हो जाएगा वाशिंगटन सोर्स वेब एलिमेंट हो जाएगा और यूनाइटेड स्टेट्स टारगेट वेब एलिमेंट हो जाएगा तो ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन में एक सोर्स वेब एलिमेंट होता है और एक टारगेट वेब एलिमेंट होता है सोर्स को हम टारगेट पे ड्रैग करके ड्रॉप करते हैं तो ये होता है ड्रैग एंड ड्रॉप एक्शन तो आइए देखते हैं इसके लिए हम ऑटोमेशन कोड कैसे राइट कर लेंगे करेंगे तो हम पहले एक्लिप्स आई ओपन करते हैं और यहाँ हम एक न्यू क्लास क्रिएट कर लेते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप एक्शन के डेमोन्स्ट्रेशन के लिए पैकेज पे राइट क्लिक किया न्यू क्लास क्लास का नाम दे देते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप और एक मेन मेथड ऐड कर लेते हैं फिनिश अब हम ऐसा करते हैं हम थोड़ा सा कोड यहाँ से कॉपी कर लेते हैं क्रोम ब्राउजर लॉन्च करने का ब्राउजर मैक्सिमाइज करने का और यू ओपन करने का और एक कोड यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे हम वेब पेज का नाम चेंज कर देते हैं हम वेब पेज यूज कर रहे हैं वो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ यू को पेस्ट कर दिया अब हमें द्र... वेब एलिमेंट को फाइंड करना है सोर्स वेब एलिमेंट एंड टारगेट वेब एलिमेंट तो सोर्स वेब एलिमेंट अगर हमें रोम को ड्रैग करना है इटली पे तो सोर्स वेब एलिमेंट हो जाएगा रोम तो इसे हम राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करते हैं ये है सोर्स वेब एलिमेंट जिसकी आईडी है बॉक्स सिक्स तो हम बाय आईडी लोकेटिंग स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं रोम वेब एलिमेंट को लोकेट करने के लिए जिसमें हम बाय डॉट आईडी लोकेटिंग स्ट्रेटजी यूज करेंगे और आईडी की वैल्यू देंगे बॉक्स सिक्स अब टारगेट वेब एलिमेंट को भी लोकेट करते हैं इसको भी इंस्पेक्ट किया इसके लिए भी हम बाय डॉट आई यूज कर लेंगे और आई की वैल्यू देंगे बॉक्स वन तो बॉक्स सिक्स को हमें बॉक्स वन जीरो सिक्स पे ड्रॉप करना है बॉक्स सिक्स को हम ड्रैग करके बॉक्स वन जीरो सिक्स पे ड्रॉप करेंगे तो सोर्स और टारगेट वेब एलिमेंट दोनों को हम फाइंड करेंगे पहले फाइंड सोर्स एंड टारगेट वेब एलिमेंट तो वेब एलिमेंट सोर्स इज इक्वल टू ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट आई डी लोकेटिंग स्ट्रेटेजी हम यूज करेंगे और आई डी की वैल्यू दे देंगे बॉक्स सिक्स ये हमारा सोर्स वेब एलिमेंट है जो है रोम पैकेज इंपोर्ट कर लेते हैं वेब एलिमेंट का नेक्स्ट हम टारगेट वेब एलिमेंट फाइंड करेंगे हम इसको ही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे आ गया टारगेट वेब एलिमेंट ये है टारगेट वेब एलिमेंट और यहाँ पे बॉक्स वन जीरो सिक्स है हमारा टारगेट वेब एलिमेंट जो है इटली अब हमें एक्शन माउस एक्शन के लिए एक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है एक्शंस एक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट का नाम ए दे दिया न्यू फिर से एक्शन क्लास और यहाँ पे हम वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट पास करेंगे एज एन आर्ग्यूमेंट तो यहाँ पे हमने एक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया इसका पैकेज भी इम्पोर्ट कर लेते हैं और अब हमें ड्रैगन ड्रॉप एक्शन परफॉर्म करना है तो ड्रैग एन ड्रॉप एक्शन का सेंटेक्स होता है मेथड का नाम फिर देंगे हम सोर्स वेब एलिमेंट जो है हमारा ये वेब एलिमेंट सोर्स और फिर देंगे हम टारगेट वेब एलिमेंट जो है ये टारगेट वेब एलिमेंट तो हम ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड को कॉल करने के लिए एक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट डॉट ड्रैग एंड ड्रॉप और यहाँ दे दिया हमने सोर्स वेब एलिमेंट का नाम और फिर टारगेट वेब एलिमेंट का नाम और फिर यहाँ पे हम परफॉर्म मेथड को कॉल करेंगे एक्शन को परफॉर्म करने के लिए तो ये कोड हमारा कंप्लीट हो गया हमने सोर्स वेब एलिमेंट और टारगेट वेब एलिमेंट को फाइंड किया फिर एक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप एक्शन को हमने परफॉर्म किया फ्रॉम सोर्स टू टारगेट अब इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं राइट क्लिक रन एज जावा एप्लीकेशन वेब पेज ओपन हो गया और ये देखिए रोम इटली पे ड्रैग एंड ड्रॉप हो गया तो इस तरह से हम ड्रैग एंड ड्रॉप एक्शन को परफॉर्म करते हैं नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं माउस ओवर एक्शन उसके लिए हम एक वेब पेज ओपन हमने एक वेब पेज ओपन कर लिया अब यहाँ पे गेटिंग स्टार्टेड सेलर अपडेट अबाउट अस प्रोडक्ट लिस्टिंग शिपिंग एंड पेमेंट ये सारी इन्फॉर्मेशन हैं हमें अगर गेटिंग स्टार्टेड की इन्फॉर्मेशन देखना है तो हम माउस पॉइंटर को गेटिंग स्टार्टेड पे लेके जाएंगे तो माउस पॉइंटर को किसी वेब एलिमेंट के ऊपर लेके जाने के एक्शन को हम कहते हैं माउस ओवर एक्शन अब हमें अगर सेलर्स एंड अपडेट इंफॉर्मेशन चेक करना है तो हम माउस पॉइंटर को हम सेलर एंड अपडेट्स पे लेके जाएंगे सिमिलरली अगर हमें प्रोडक्ट लिस्टिंग की इंफॉर्मेशन चेक करना है तो हम माउस पॉइंटर को प्रोडक्ट लिस्टिंग पे लेके जाएंगे तो उसे हम कहेंगे माउस ओवर एक्शन अगर हमें शिपिंग एंड पेमेंट्स की इंफॉमेशन चेक करना है तो हम माउस पॉइंटर को शिपिंग एंड पेमेंट वेब एलिमेंट पे लेके जाएंगे तो जब हम माउस पॉइंटर को किसी वेब एलिमेंट के ऊपर लेके जाते हैं तो उस एक्शन को हम कहते हैं माउस ओवर एक्शन तो अब हम अब हमें इसके लिए ऑटोमेशन कोड राइट करना है माउस ओवर एक्शन के लिए हमें ऑटोमेशन कोड राइट करना है तो हम इसमें से किसी भी वेब एलिमेंट पे माउस ओवर एक्शन के लिए हम ऑटोमेशन कोड राइट कर सकते हैं हम ऐसा करते हैं हम शिपिंग एंड पेमेंट्स के लिए राइट करते हैं तो हमें माउस पॉइंटर को शिपिंग एंड पेमेंट ऑप्शन के ऊपर लेके जाना है इसके लिए हमें ऑटोमेशन कोड राइट करना है तो हम सबसे पहले शिपिंग एंड पेमेंट वेब एलिमेंट को इंस्पेक्ट करते हैं राइट क्लिक इंस्पेक्ट किया अब हम इसको लोकेट करने की लोकेटिंग स्ट्रैटेजी

लिंक्स लिंक लिंक्स को लोकेट uh, करने के लिए हमारे पास दो लोकेटिंग स्ट्रैटेजीज दो लोकेटिंग स्ट्रैटेजीज हैं एक है बाय लिंक टेक्स्ट और दूसरा है बाय पार्शियल लिंक टेक्स्ट तो हम शिपिंग एंड पेमेंट वेब एलिमेंट को लोकेट करने के लिए हम बाय लिंक टेक्स्ट लोकेटिंग स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें हमारे पास लिंक टेक्स्ट अवेलेबल है तो हमने इस लिंक टेक्स्ट को कॉपी कर लिया शिपिंग एंड पेमेंट को अब हम इसके लिए ऑटोमेशन कोड राइट करते हैं एक्लिप्स आईडी ओपन करते हैं तो इसके लिए हम एक नई क्लास क्रिएट कर लेते हैं डेमो टेस्ट डॉट टेस्ट वन पैकेज पे राइट क्लिक किया न्यू क्लास क्लास का नाम दे देते हैं माउस ओवर और हम इसमें एक मेन मेथड ऐड कर लेते हैं एंड फिनिश और यहाँ हम कुछ कोड कॉपी कर लेते हैं क्रोम ब्राउजर ओवर लॉन्च करने के लिए ब्राउजर मैक्सिमाइज करने के लिए और यू ओपन करने के लिए हमने कॉपी कर लिया और माउस ओवर क्लास में हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं हमने क्रोम ब्राउजर लॉन्च कर लिया ब्राउजर को मैक्सिमाइज कर लिया और यू ओपन करने के लिए कोड डाल दिया अब यहाँ पे हम यू का नाम चेंज कर लेते हैं हम माउस ओवर के, के लिए जो यू जो यूआरएल यूज कर रहे हैं हम वो यहां डाल देते हैं यू आर हमने यहाँ पेस्ट कर दिया यहाँ हमने यू आर ओपन कर लिया अब हमें वेब एलिमेंट को लोकेट करना है तो वेब एलिमेंट वेब एलिमेंट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं एलिमेंट नाम का हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया इक्वल टू ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट और हम लोकेटिंग यूज करेंगे बाय लिंक टेक्स्ट क्योंकि शिपिंग शिपिंग एंड पेमेंट वेब एलिमेंट एक लिंक टेक्स्ट है और यहाँ पे हम दे देंगे लिंक टेक्स्ट का टेक्स्ट तो आइए लिंक टेक्स्ट को फिर से कॉपी कर लेते हैं लिंक टेक्स्ट है शिपिंग एंड पेमेंट तो हमने इसे कॉपी कर लिया हम इसे एज इट इज अपने कोड में यूज कर लेंगे डबल कोट्स में शिपिंग एंड पेमेंट्स लिंक टेक्स्ट यहाँ पे दे दिया एंड सेमी कॉलन से स्टेटमेंट एंड वेब एलिमेंट का पैकेज इंपोर्ट कर लेते हैं अब हम यहाँ माउस ओवर एक्शन के लिए हम एक एक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे एक्शन ऑब्जेक्ट का नाम इज इक्वल टू न्यू एक्शन पैरेंथेसिस में हम एक आर्गुमेंट पास करेंगे वो है वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट हमने कॉपी कर लिया वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट ड्राइवर और यहाँ पे सेमी कॉलिंग से स्टेटमेंट एंड एक्शन क्लास का पैकेज भी इंपोर्ट कर लेते हैं अब नेक्स्ट हमें माउस ओवर एक्शन को कॉल करना है तो एक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट का नाम डॉट अब माउस ओवर एक्शन परफॉर्म करने के लिए हमारे पास मेथड है मूव टू एलिमेंट मूव टू एलिमेंट माउस ओवर एक्शन परफॉर्म करने के लिए है ये जो मेथड है मूव टू एलिमेंट इसे यूज करके हम माउस ओवर एक्शन परफॉर्म करेंगे ये हमें याद रखना है तो एक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट और फिर हमने ऑब्जेक्ट यूज करके हमने मूव टू एलिमेंट मेथड को कॉल किया और में हमने जिस भी एलिमेंट पे हमने माउस को मूव करना है माउस पॉइंटर को मूव करना है हमने उस एलिमेंट को यहाँ पे पैरेंथेसिस में पास कर दिया एज एन आर्ग्यूमेंट और फिर उसके बाद हमें एक्शन को परफॉर्म करना है फिर हमने परफॉर्म मेथड कॉल कर लिया तो ये हमारा कोड कंप्लीट हो गया सबसे पहले हमने ब्राउजर लॉन्च कर लिया फिर हमने ब्राउजर को मैक्सिमाइज किया फिर यू आर एल ओपन किया फिर हमने वेब एलिमेंट को फाइंड किया कि हमें जिस भी वेब एलिमेंट पे माउस पॉइंटर को मूव करना है हमें उस वेब एलिमेंट को हमने यहाँ पे फाइंड किया फिर हमने एक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एक्शन परफॉर्म करने के लिए और हमें जो भी एक्शन परफॉर्म करना है हमने वो उस एक्शन को कॉल किया एक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट यूज करके हमें माउस ओवर एक्शन परफॉर्म करना है तो हमने मूव टू एलिमेंट मेथड कॉल किया और हमें जिस एलिमेंट पे माउस पॉइंटर को लेके जाना है हमने उस एलिमेंट का नाम पैरेंथेसिस में दे दिया और फिर हमने परफॉर्म एक्शन कॉल किया अब इसे हम एग्जीक्यूट करते हैं राइट क्लिक रन एज जावा एप्लीकेशन क्रोम ब्राउजर लॉन्च हो गया वेब पेज भी ओपन हो रहा है वेब पेज ओपन हो गया अब माउस पॉइंटर को शिपिंग एंड पेमेंट उस पर पे जाना चाहिए माउस पॉइंटर शिपिंग एंड पेमेंट एलिमेंट पे चला गया और शिपिंग एंड पेमेंट इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्प्ले हो गए इन्फॉर्मेशन शिपिंग एंड पेमेंट ऑप्शन की है तो इस तरह से हम माउस ओवर एक्शन इम्प्लीमेंट करते हैं तो आज के सेशन में हमने माउस ऑपरेशन राइट क्लिक डबल क्लिक ड्रैग एंड ड्रॉप एंड माउस ओवर एक्शन डिस्कस किया आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो आज के सेशन में बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेलाइकन दबाना ना भूलें थैंक्स फॉर वॉचिंग